अच्छा भाई ने जज्जत पर ये नहीं करिया डावला मैं तेरा ना तमिल जावगा बालम बावला तो मैं इसे बात पे सॉन्ग सुना दूं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी जो मॉडल होगी वो आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे साथ बैठी है पिंकी माँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका कैसा होगा? नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी सेम यही टीम है, सिंगिंग भी वही होगी। मतलब कहने का मतलब है सेम टू सेम वही टीम फिर दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट लेके आएगी। पहले इस प्रोजेक्ट को बहुत सारा कैमरन जी मैं आपका अपना किरत गया और दोस्तों आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ पिंकी मान जी से और सत्यरैया और रमेश माजरिया जी। और इनका एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ आज, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जिसका नाम है मैं बालम बावड़ा। तो मिलवाते हैं आर्टिस्टों से। नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम। मैं आपकी अपनी हरियाणवी कलाकार पिंकी मान और सॉन्ग बहुत अच्छा है, आप एक बार देखना इसको, ठीक है। इसमें डबल वो दिया गया है, मतलब इसके अंदर हस्बैंड वाइफ की एक नोकझोंक भी दिखाई गई है और इसमें 40-50% इसमें कॉमेडी भी दिखाई गई है, ठीक है। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप एक बार देखना इसको और प्लीज़ मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है सपोर्ट करना। तो मैम हमने जहाँ तक पता चला कि आपका भी एक वायरल सॉन्ग आया। हाँ जी, मेरा सॉन्ग ख्वाब आया है और अब वो अपने ही कुलदीप मंगालिया के ऑफिशियल चैनल से आया है, उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और उसकी भी आप एक बार स्टोरी जाके देखना, उसमें भी एक बहुत अच्छी स्टोरी दिखाई गई है कि मतलब एक धोखाधड़ी वाली स्टोरी दिखाई गई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ख्वाब सॉन्ग। नमस्कार। नमस्कार, कैसे सर? मैं बढ़िया। और जितने भी एक्केर ओतकिया चैनल के सब्सक्राइबर हैं सबको सत्यरैया की राम राम। तो आज आपका बहुत ही प्यारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई इसके बारे में तो सिर्फ यही कहना है कि भाई बड़ी मेहनत से ये गाना बनाया है और एक गाने को बनाने के लिए पूरी टीम ऑडियो से लेके वीडियो तक विद वीडियो पूरी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात एक करके ये गाना हमने तैयार किया वीडियो, और वीडियो कंसेप्ट मेरे को बड़ा पसंद आया। मैंने रमेश भाई को पहले बोला था मेरा ये गाना करो, तो रमेश भाई बोले ठीक है। तो उसके बाद मैंने रमेश भाई को ये गाना दिया था और इसकी बड़ी अच्छी और बहुत प्यारी और फनी वीडियो है, आप लोगों को देखने में मज़ा भी आएगा। और सबसे उम्मीद करता हूँ कि भाई बहुत प्यार देना और जल्दी से जल्दी ये गाना मिलियनों में खड़ा हो जाए और आप लोगों का प्यार रहा है। तो जल्दी ही एक नया प्रोजेक्ट और लेके आ रही है, यही कहना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर रमेश माजर जी आए थे। नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले जो एक के हरियाणवी के जो दर्शक हैं, सॉरी एक के रोहतकिया के जो दर्शक हैं, उनको रमेश माजर की तरफ से प्यार भरी राम राम जी। सर तो सर वैसे तो कह रहे हैं कि कॉमेडी है सॉन्ग के अंदर, तो अभी आप सभी सीरियस क्यों हो? नहीं, सीरियस होने कोई बात नहीं है, सीरियस कोई भी नहीं होता। देखो एक मैनेजमेंट होता है, जब किसी पे प्रेशर होता ना, तो प्रेशर है। देखो गाना क्या कैसा लगेगा पब्लिक को, हकीकत बात बताऊं तो जब इस गाने को शूट कर रहे थे तो सत्य भाई शायद बुरा भी मान गए थे, स्टिकनेस होती है ना। मैं एक बात बोलता हूँ भाई, मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम के बाद जितनी मस्ती करनी हो हम 4-5 घंटे रुक सकते हैं, लेकिन काम के वक्त मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम के बीच में मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। सर ये क्या चाहते होंगे कि 2-3 घंटे हंसी मजाक के लिए निकाल ले रमेश माजरिया जी, ना कि हमेशा सीरियस रहेंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे? सर नहीं, देखो एक डायरेक्टर को ना सीरियस ही रहना चाहिए जब तक उसका प्रोजेक्ट चल रहा है जी, ठीक है। अगर हम अपने काम के प्रति सीरियस नहीं होंगे तो बैटर निकल के नहीं आएगा, टीम काम ही नहीं निकाल के जी, जी। तो सर इस सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये भी इतना ही सीरियस होके किया है? देखिए इस सॉन्ग से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आई होप कि पब्लिक का प्यार मिलेगा। और डीजे पे सॉन्ग बजने लगा है और इंस्टाग्राम पे इसकी रील आ चुकी है, तो जितने दर्शक देख रहे हो बालम बावड़ा सर्च करो और रील बनाओ जी। तो सर इस सॉन्ग के अंदर म्यूज़िक किसका है, डायरेक्शन किसकी है और गाया किसने है, मॉडलिंग किसने की है? इस सॉन्ग का जो पहली रीढ़ की हड्डी राइटर जी, इस गाने की जो राइटिंग की है नीरज मातंड भाई हैं, जिनके मैंने पहले एक और प्रोजेक्ट किया था मोम आया, उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट है उनकी राइटिंग का। तो राइटिंग इसकी नीरज मातंड भाई ने की है। म्यूजिशियन मेरा परमानेंट है, मेरा भाई है, छोटा भाई है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल फैमिली रिलेशन है, राहुल बोर्ड भाई। और इस गाने की जो सिंगिंग की है, सिंगिंग इस गाने की माही पांचाल जी ने और विकास कुमार हट जाता उपाध्याय जी, उन्होंने की है। और इस गाने की जो अब वीडियो की जो रीड की हड्डी है वो रमेश माजरिया भाई हैं जो मेरे साथ हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी और फनी कॉमेडी मेरे को पहले स्टोरी बताई
कि ऐसे ऐसे स्टोरी बनाएगी। मैंने एक बार मना भी किया था कि नहीं ज़्यादा फनी मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर बोले चलो थोड़ी कम करते हैं। लेकिन मैं जब सेट पे पहुंचा तो सब ने बोला यार फ़नी गाना है, फ़नी ही स्टोरी थी। तो मैं तब चल ठीक है रमेश, जैसे तू खिलाएगा मेरे को सेट कैमरे के सामने मैं वैसे काम करूँगा। तो मैंने रमेश भाई को फुल परमिशन दे दी थी, आप बूझ भी लो ये सियान बैठे हैं, और मतलब काम करने में मज़ा आया। और मेरी पूरी टीम, जितने भी टीम मेंबर हैं सबका धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को काम के लिए मोटिवेट किया और मैं ये गाना कर पाया, नहीं तो मैं फ़नी वीडियो कभी नहीं करता जी। तो सर काफ़ी टाइम हो गया आपको फ़नी करते, तो किस तरह की फ़नी है सर, एक दो डायलॉग हो जाए? डायलॉग तो नहीं करना भाई, तो नहीं करना। चलो वो ये खुद जाके देखेंगे, देख लियो अगर है कई है, एक चक्कर उठाने का है, एक शक्तिमान मेन चीज तो वाई है, वाई छोड़ दी, वाई बता दी, तो फिर ये देखेंगे कई हैं। देखना सॉन्ग में आपको मजा आएगा, सॉन्ग में मजा आएगा, हंसी भी आएगी और बहुत अच्छा सॉन्ग बना है। तो इसमें जो ड्रेस सिलेक्ट की गई है वो सबसे अच्छी है जी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका कैसा होने वाला है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी सेम यही टीम है, सिंगिंग भी वही होगी, मतलब कहने का मतलब है सेम टू सेम वही टीम फिर दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट लेके आएगी। पहले इस प्रोजेक्ट को बहुत सारा प्यार दो और डीजे पे नाचो गाओ, खूब इंटरटेनमेंट करो और रील बनाओ भाई सबसे ज़्यादा मोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक सब्सक्राइब करो। और अगला गाना भी हम कोशिश करेंगे मिक्सअप म्यूजिक चैनल पे ही लेके आए, और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी जो मॉडल होगी वो आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे साथ बैठी है पिंकी मान, पिंकी मान जी मेरे साथ हैं, ये अगले गाने में मेरे साथ मॉडलिंग में दिखाई देंगे, हमारी दोनों की जोड़ी दिखेगी। तो मैम सब सारी वही होंगे, सारी डिटेल बता दी इस सर ने, तो आप ये बताए डिटेल तो इन्होंने बता दी कि सॉन्ग जाके देखें, लेकिन देखें कहाँ पे, कौन से चैनल? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कोई चैनल भी तो मिक्सअप म्यूजिक चैनल जी। तो हमारे एक रोहतकिया चैनल के बारे में क्या कहना भाई? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आप लोग ही हमें बूस्ट करते हो, हमें दिखाते हो पब्लिक तक, हमारे गाने को भी पहुँचाते हो न्यूज के थ्रू, कुछ यूट्यूब सपोर्ट करता, कुछ आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, दिन रात हमारे की तरह मेहनत करते हो। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है एक रोहतकिया चैनल पर जाकर, सब लाल रंग का बटन होगा उसको दबा दो, और बेल आइकन होगा साइड में उसको भी दबा दो, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सर ये लाल रंग का बटन तो दबा दे, लेकिन साइड वाली घंटी नहीं दबाते। दाब देंगे भाई, ये दाब देंगे, बाल लंबा होगा, ये दाबेंगे बाल लंबा होगा। हमारी वीडियो देखनी है, नेक्स्ट भी देखनी है, जिस तरह फनी वीडियो नहीं है, फनी गाने की वीडियो है उसमें बाल लंबा होगा कब है, तो ऐसे ही बेल आइकन को ऐसे करेंगे बाल लंबा होगा। तो आप में से कोई और कुछ कहना चाहता है, कुछ दिल की भड़ास रहे? ये कहना चाहता हूँ कि भाई सारे भाई, पूरी टीम ने मेहनत करी है, पानी मत फेर दियो भाई, क्योंकि बड़ा उम्मीद करके ये गाना रिलीज किया, और डीजे सॉन्ग है, सब ने बोला कि मतलब जिसको भी सुनाया, बड्डा कक्का ताऊ भाई 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 बहन जिसको भी सुनाया, घर में भी या बाहर सुनाया, सब बोले चलेगा गाना। तो भाई अब ये और ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप लोग सब हमें प्यार देंगे तो शायद हमें काम करने में भी मजा आएगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम इससे भी बेस्ट तैयार करके लेके आएंगे। तो दोस्तों सॉन्ग को काफ़ी प्यार देना, बल्लम बावड़ा जाकर यूट्यूब पे सर्च करो और देखो, बड़ा ही बेहतरीन सॉन्ग है, एक पहले भी पंजाबी जो हमारे सिंगर हैं उन्होंने भी एक ऐसी लाइन बोली थी, वो क्या नाम उनका, बादशाह भाई ने, तो मैं इसी बात पे एक सॉन्ग सुना था। सिंगिंग नहीं करती है, सिंगिंग नहीं करती हूँ, ओनली मोड। आप लोगों को हमारी जोड़ी जल्द देखने को मिलेगी ओड़ी के आसपास। तो मैम हम चाहेंगे आप सिंगिंग भी करो, क्योंकि आपकी वॉइस काफ़ी प्यारी है। थैंक यू कोशिश करते हैं, आप लोग इतना प्यार दोगे, इतना सपोर्ट करोगे तो शायद कुछ कर पाए। और भाई YouTube पे सर्च करो बालम बावड़ा। एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे नाम से Instagram पे दो तीन अकाउंट बने हुए हैं, तो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है सत्य रैया ऑफिशियल, ऑफिशियल वन और ऑफिशियल टू, दो अकाउंट है, दोनों पे मेरी बालम बावड़ा गाने की डीपी लगी हुई है, बाकी जितने भी अकाउंट है वो फेक है, उनको फॉलो ना करें। और अगर मेरे बारे में अगर कोई भी न्यूज़ उस अकाउंटों पर डलती है या गलत किसी बहन बेटी की न्यूज डालते हैं तो मेरे पास स्क्रीन शॉट जरूर भेजना। तो सर आपके अकाउंट की कोई पहचान नहीं, या तो ब्लूटिक या फिर कुछ? ब्लूटिक अभी नहीं मिला है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ब्लूटिक भी मिलेगा। आप लोग बस गाने को प्यार दो और मेरे को प्यार दो, बस आपका भाई दिन रात मेहनत करेगा, बस तम पीछे मत हटियो, आगे मैं चलूंगा, पाँच छः तम सपोर्ट करते रहो। और दोस्तों जो ओरिजिनल अकाउंट होता है, मेन बात तो ये होती है जी, मेन अकाउंट होता है जो ओरिजिनल होता है, उसकी खास बात ये होती है सबसे ज़्यादा फॉलोअर उसी चैनल उसी अकाउंट में मिलेंगे आपको,
तो औरों को छोड़ के 13,600 हैं भाई। और दूसरा अकाउंट जो मेरा अभी 2-3 दिन पहले हैक कर दिया था, ये 13,600 ऑफिशियल वाला, ये ठीक होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक सत्यरिया ऑफिशियल 2 के नाम से है, उस पर 800-900 फॉलोअर्स हैं। ये दो अकाउंट है, दोनों पे बल्लम बावड़ा गाने की डीपी लगी हुई है भाई, तो उस डीपी को देख के मेरे को फॉलो करना भाई। बिल्कुल ज़रूर फॉलो करेंगे। और एक आईडी और है, पिंकी मान ऑफिशियल। बाकी मैम आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है पिंकी मान ऑफिशियल के नाम से, और मेरी एक ही आईडी है, 3-4 आईडियाँ और बनी हुई हैं जिनके पीछे 1-2 कुछ ऐसा वैसा लगा हुआ है, वो आईडी मेरी नहीं है। मेरी ओनली वीडियो सारी जो आएंगी पिंकी मान ऑफिशियल चैनल से ही। चलो ठीक, सॉन्ग ने जाके देखो और प्यार दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्यार दो। उम्मीद करी है 1 मिलियन 2 दिन के भीतर करने की, अर्थात प्यार कुछ भी कर सके है। आगे एक गाना इस तरह सुपर डुपर हिट आन लग रहा है, इतने तम इसने देखो बाल लंबा उड़ा। और एक और बात भाई, कमेंट जरूर करा करो, चाहे वो बुंडा हो चाहे वो अच्छा हो, जिसा आपने लागे उसका कमेंट करा करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।